झारखंड सरकार की मुख्य सचिव श्रीमती राजबाला वर्मा जी, विकास सह वित्त आयुक्त श्री अमित खरे जी, पुलिस महानिदेशक झारखंड श्री डी के पांडे जी, गृह सचिव श्री राठे जी, श्री संजय कुमार जी, मेजर जनरल और सर झारखंड एक पहला राज्य है सर जिसने माओवादी से सीधे लड़ने की ओर से यहाँ पे पुलिस चॉपर खरीदा है और ये पहला सीट है। आप लोगों ने कहा था मैं मुख्यमंत्री जी को लेकर आ गया, जो सवाल पूछना पूछिए। हमसे लोग रोज पूछते रहते हैं, आपसे पूछेंगे। हाँ, ये बात सच है कि पिछले वर्षों मैंने विगत कई वर्षों से जो आईपीएस ऑफिसर्स के का सिलेक्शन होता था उसमें कमी आ गई, लेकिन वह नंबर को हम लोगों ने बढ़ाया है। हम लोगों की कोशिश है कि आगामी कुछ ही वर्षों में जो कमी है हम उसको कंपनसेट कर सकें। मैं समझता हूं कि नोटबंदी के फैसले को राजनीतिक लाभ अथवा हानि के नज़रिए से नहीं देखा जाना चाहिए। यह जनहित में लिया गया फैसला है, यह राष्ट्रहित में लिया गया फैसला है, और चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी की सरकार क्यों न हो, कुछ फैसले ऐसे होते हैं उस सरकार को अपने राजनीतिक लाभ व हानि को विचार करके नहीं करना चाहिए, बल्कि राष्ट्रहित को ध्यान में रखकर वो फैसले करने चाहिए। इसे चुनावी मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, उन्हें विपक्ष को इसे चुनावी मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। फैसला हो जाएगा, वो विपक्ष अपनी जो रोल है वो प्ले कर रहा है, लेकिन जनता का कितना समर्थन, अभी हाल में ही कोई चुनाव हुए थे, यदि उसी आधार पर देखा जाए, चूंकि इस सरकार ने फैसले किए थे, यदि लोगों की नाराजगी रहती, लोकल बॉडीज के जो भी चुनाव हुए थे शायद इतनी शानदार सफलता भारतीय जनता पार्टी को न प्राप्त हुई होती। 10,000 में 8,000 जीते, 10,000 में 8,000 बीजेपी जीते। ये 10,000 में 8,000 बतला रहे, नहीं पूरे देश में जो चुनाव हुए हैं, चाहे नगर निगम हो नगर पालिका, टोटल 10,000 जिसमें 8,000 बीजेपी के लोग जीते। आप लोग फैसले की तलाश ही लिया गया है किसके, कई मुंबई कांड के आतंकवादी पाकिस्तान में शरण हुए, उसको बताने के लिए भारत क्या किया। हम किसी पार्टी अथवा किसी परिवार में बिखराव को देखकर बहुत खुश नहीं होते। बिखराव जो है, किसी परिवार में बिखराव हो, कलह हो, ये हम देखकर खुश नहीं होते। उसके आधार पर हमको कितना लाभ होगा, राजनीतिक हानि, ये हम नहीं सोचते। हाँ, ये जरूर चिंता का विषय होता है यदि वह परिवार सत्ता में हो, वह परिवार यदि सत्ता में हो और उस समय यदि कलह हो तो उसका खामियाजा राज्य को भुगतना पड़ता है, और ये राज्य को उसका खामियाजा भुगतना पड़े तब उस समय हमको तकलीफ होती है। लेकिन मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि इसकी भरपाई आने वाली सरकार करेगी। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस समय के प्रधानमंत्री जी सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, इस हकीकत को सबको समझना चाहिए, और 2.5 वर्षों में जो कुछ भी उनकी उपलब्धियां रही हैं मैं कह सकता हूं युगांतकारी रही हैं, अनपैरलल, अतुलनीय। नहीं, वहाँ हमारा कहना है कि पश्चिमी बंगाल में
हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए हेल्दी डेमोक्रेसी में, स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में हिंसा का कोई स्थान नहीं होता। केवल एक सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, सभी सरकारों की। आरोप कोई लगाते रहे, आरोप के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। उनका कहना है कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग होता है, उदाहरण तो बताइए। उदाहरण क्यों हुई बंगाल में हिंसा जो हुई, वो जो पृष्ठभूमि उसकी तैयार हुई, उन लोगों का आरोप था कि सीबीआई उनके सांसदों को वोट के आदेश हुई। सीबीआई को काम ही नहीं करना चाहिए। सर मैं जानना चाह रहा कि राज्य में नक्सलियों को मुख्य धारा में लाने की सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन ग्लैमराइज तरीके से। कल खूंटी में एक नक्सली ने जब टेंडर किया तो जाकर बैनर चेक किया गया, उसे पूरा बताया जा रहा है कि फोटोग्राफी नहीं उसके साथ सेल्फी, तो क्या किया सर? क्या आप ये संदेश देना चाहते हैं कि खुद नक्सल एमएलए का वो हत्यारा है, सरेंडर करता है आप तो ग्लैमराइज करते हैं? नहीं, इसको देखेंगे मुख्यमंत्री जी। चलिए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।